इंतखाबात 2018 पोलिंग के वक्त में एक घंटे का इजाफा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 जुलाई को पोलिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आवाम की सहूलत के पेश नज़र एक घंटा का इजाफा किया गया। कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली, लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक नून लीगी MNA शेख वसीम समेत 4 मुलजिमान को सजा सुना दी। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट ने 1 माह कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, 2 मुलजिम भरी। लाहौर हाईकोर्ट में अहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत, अहसन इकबाल ने तफसीली जवाब अदालत में जमा करा दिया। आपके जवाब में वो अल्फाज नहीं जो कानूनी तौर पर होने चाहिए, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ और शाहिद फकान अब्बासी के खिलाफ बगावत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत, क्या सिरल अल्मेडा पेश हुए, अदालत का इस्तफसार। अदालत ने सिरल अल्मेडा को नोटिस जारी कर दिया, समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। कप्तान की लाहौर में मौजूदगी, नाराज कारकुनान के भी जमान पार्क में डेरे, टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी, उम्मीदवार तारिक महमूद साहिब भी कारकुनान के हमराह जमान पार्क पहुंच गए। इलेक्शन में हर सूरत जाएंगे, इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं चाहते, मुस्तफा कमाल कहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में मर्दमशुमारी की ज्यादती पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, चीफ जस्टिस ने कहा मर्दमशुमारी में इशू है। इलेक्शन 2018 कागजात नामजदगी की वापसी का सिलसिला जारी, मुल्तान से लीगी रहनुमा जावेद हाशमी को टिकट न मिलने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात वापस ले लिए। जावेद हाशमी ने NA 155 और 158 से कागजात वापस लिए। नाअहल नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला का रोना रोने लगे, कहते हैं मुझे निकाल दिया जाता है, दूसरों को बहाल किया जाता है, धांधली की नई तारीख रकम की जा रही है, मकबूल नजरिया दबाने के खौफनाक नतीजे निकलेंगे, वोट को इज्जत दो का नारा हर घर का नारा बन चुका है। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में एवन क्लियर रेफरेंस की समाअत, अमजद परवेज का कहना है नैब की जानिब से मजहर रजा बंगिश का एक लेटर पेश किया गया, उसको साबित कौन कर सकता है, नैब के दफ्तर में बैठकर ये कागजी कार्रवाई की गई। कबाइली आवाम का आईनी हकूक के लिए इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा आज भी जारी, मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात पूरे नहीं होने तक पीछे नहीं हटेंगे, फाडा से मजीद काफिले एहतजाज में शामिल होने आ रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी बारिश, लाहौर और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, गुजरावाला और गुजरात में भी बादल जमकर बरसे, कई इलाकों की बिजली बंद, शहरियों को मुश्किल। मियां चन्नू में नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया, 60,000 लीटर ऑयल खेतों में बह गया, पुलिस ने जाए हादसा को ब्लॉक कर दिया, मशकूक ड्राइवर गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू कर दी गई। अमरीकी सदर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप का शामी जंग से निकलने का इंदिया, ट्रंप शाम के मामलात पर रूसी सदर से डील कर सकते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। और पहाड़ों में करोसे कजा के रंगों वाले खूबसूरत पहाड़, सैकड़ों पहाड़ दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। अस्सलाम वालेकुम, तहलका न्यूज के साथ मैं हूं नुसरत खलील। हेडलाइंस आपने जानी, अगर आप मजीद खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka.tv।